आज ग्रुप डी सीईटी का एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एग्जाम सेंटरों पर आसपास धारा 144 लागू कर दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली शिफ्ट की परीक्षा शुरू हुई है। एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सीटी एग्जाम ग्रुप डी का एग्जाम सेंटर आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 14 लाख अभ्यर्थी इस दौरान परीक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें, पहचान के लिए पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। रोडवेज की ओर से इस दौरान फ्री बस सेवा दी जा रही है। प्रदेश में आज ग्रुप डी सीईटी का एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, पहली पाली की परीक्षा फिलहाल जारी है। दो चरणों में ये एग्जाम होने वाला है। तो पहली शिफ्ट की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जैसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। एग्जाम को लेकर पुख्ता प्रबंध, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी, एग्जाम सेंटर आस पास धारा 144 लागू कर दी गई है। करीब 14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहचान के लिए पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाया गया है। रोडवेज की ओर से फ्री बस सेवा जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर हरियाणा रोडवेज की ओर से बसों का प्रबंध किया गया है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए फ्री बस सेवा का लाभ उन्हें मिलने वाला है। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिसार, कैथल, यमुनानगर, जींद और रेवाड़ी की आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए विशेष बस सेवा का ये प्रबंध यहां पर किया गया हरियाणा रोडवेज की तरफ से। कैथल की भी तस्वीरें आप देखिए। एग्जाम सेंटर्स के बाहर जो है बच्चे पहुंचने यहां पर शुरू हो गए हैं। ठीक यमुनानगर में भी इसी तरीके की तस्वीरें हैं। वहीं जींद की तस्वीरों की बात करें तो यहां पर जो निजी स्कूल की बसें हैं उनको भी प्रयोग में लाया जा रहा है। उनसे भी बस में भरकर यहां पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। साथ ही रेवाड़ी में भी पुलिस बल, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सेंटर्स के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रोडवेज की बसें जो कि अब तैनात यहां पर की गई है। हरियाणा सीटी परीक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध यहां पर किए गए हैं, ताकि जो एग्जाम सेंटर जाने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर समय पर पहुंच सकें। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करीब 14 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं, जो कि एग्जाम यहां पर देंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें भी। प्रदेश में आज ग्रुप डी सीईटी एग्जाम की परीक्षा यहां पर होने जा रही है। 2 शिफ्टों में ये परीक्षा यहां पर होगी। आपको बता दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 चरणों में सीईटी के एग्जाम आज होने जा रहे हैं। पहले शिफ्ट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें, यहां पर हरियाणा सीईटी की परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटरों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। करीब 14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। साथ ही जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें, करीब 13,500 पदों की यहां पर भर्ती की जानी है। दीपक मोटरेजा और कपिल शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। इस बीच जानकारी के साथ दीपक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं एग्जाम को लेकर एग्जाम सेंटरों में, और खासकर पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो तो शुरू हो गया, लेकिन आज जो अभ्यर्थी हैं उन्हें सेंटर्स तक पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि फ्री बस सेवा की व्यवस्था भी की गई थी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस प्रकार से आज जो है पहली शिफ्ट का एग्जाम जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि आपको बता दूं कि सारी व्यवस्थाएं जो है वो भी प्रशासन के द्वारा की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी को भी भारी हस्तक्षेप ना हो, इसलिए धारा 144 दिखाई गई है। आपको दिखा दूं कि पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि भारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए हर जगह पर जो पुलिस है वो भी तैनात है। हम जो है पुलिस से भी बात करेंगे, उनसे भी संपर्क करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या व्यवस्थाएं की गई है। मैडम, धारा 144 लगाई गई है तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? धारा 144 लगाई गई है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, किस प्रकार की छुट्टी आप दे रहे हैं? आज जो परीक्षा है उसके लिए धारा 144 लगाई गई है, और इसमें एग्जाम सेंटर के 200 मीटर के दायरे के अंदर किसी प्रकार की कोई भी मतलब हस्तक्षेप किसी प्रकार का ना हो, उसके लिए व्यवस्थाएं की गई है, और इसके लिए हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। बिल्कुल, जिस प्रकार से एसपी वरुण सिंगला आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचे भी थे, उनका भी कहना था कि धारा 144 है वो लगाई गई है, भारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना था कि 200 मीटर की परिधि पर ही सारी व्यवस्थाएं की गई है। जी दीपक, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। कपिल शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, छात्रों को सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है वो ये रहती है कि परीक्षा यहां पर पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए, यहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, साथ ही फेस ऑथेंटिकेशन लगाया गया, और परीक्षा केंद्रों के अंदर क्या कुछ दिशा निर्देश बच्चों को यहां पर दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए सीईटी ग्रुप डी की जो है 2 दिन परीक्षा 2 चरणों में होगी। करीब
इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और 53 जो परीक्षा केंद्र सोनीपत में बनाए गए हैं जिसको लेकर 84,000 परीक्षार्थी जो परीक्षा देंगे, दो दिन में यह परीक्षा होगी और दो चरण में होगी और करीब जो है 11,000 परीक्षार्थी सोनीपत से अन्य 7 जिलों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे, जिसको लेकर रोडवेज के जीएम खुद कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 276 बसें जो है उन्होंने 7 जिलों में लगाई गई हैं और सुबह करीब 3 बजे से बस की सेवा भी है शुरू कर दी गई है ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। और उन्होंने बताया कि करीब 195 जो निजी बसें हैं वो भी लगाई गई हैं, जो अपने बस स्टैंड है या जो स्टॉप है वहाँ से जो परीक्षार्थी है उनको उनके परीक्षा केंद्र तक पहुँचाया जा सके और समय पर भी परीक्षा दे सके। और आपको सबसे बड़ी जानकारी दे कल जो HCS के जो सदस्य हैं विकास दहिया, उन्होंने कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी के साथ जो है परीक्षा केंद्रों का स्थिति का जायजा भी लिया था और निरीक्षण भी किया था ताकि किसी तरह की कोई खामियां ना हो। और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि इस एग्जाम को लेकर किसी तरह की कोताही न बरती जाए, अगर कोई भी लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो है आपको सबसे बड़ी बात जो बता दी थी, CCTV कैमरे और जैमर की निगरानी में यह परीक्षा कराई जा रही है। हर परीक्षा केंद्र पर जैमर और CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिसका स्थिति का जायजा लेने के लिए कल HCS के सदस्य खुद परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहे थे। जी जी कपिल, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार आपने बताया कि यहाँ पर धारा 144 भी आसपास के क्षेत्रों में लागू कर दी गई है, तो क्या यहाँ पर आसपास लोगों का कोलाहल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती अच्छे खासी संख्या में की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो पुलिस कमिश्नर 20-37 बार उनके निर्देश पर करीब 700 पुलिस कर्मियों की सोनीपत में ड्यूटी लगाई गई है और जगह जगह पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात जो है जो परीक्षा केंद्र के आसपास पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का जमावड़ा ना जमा हो, ना ही वहाँ पर कोई जाम की स्थिति बने न बने, इसको लेकर पुलिस की व्यवस्था की गई है और पुलिस पूरी तरह से इसको लेकर सख्ती से जो है पुलिस कमिश्नर के आदेशों का पालन कर रही है और यहाँ पर जो जमावड़ा नहीं जमा होने दे रही है। और साथ साथ उनको निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार की जो वहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां हो या संदिग्ध व्यक्ति हो उन पर विशेष तौर पर नजर रखी जाए, इसको लेकर उन्होंने 6 जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो एग्जाम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, ये सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए एग्जाम सेंटरों की वहां पर, तो किस तरीके से वहां पर जो पूरी पारदर्शिता है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहली पारी का एग्जाम जो है वो शुरू हो चुका है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि CET की एग्जाम के लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। इस प्रकार से बता दूं कि भिवानी के अंदर, भिवानी जिले में 90,000 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे दोनों ही शिफ्टों के अंदर, किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए प्रशासन के पूरे इस प्रकार से दावे किए गए हैं प्रशासन के द्वारा। आपको दिखा दूं कि लगातार जो फ्लाइंग्स है वो भी जो है यहाँ पर चक्कर जो काटी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं सदस्य हैं वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं ताकि जो है नकल जो है किसी प्रकार की ना हो, भारी जो हस्तक्षेप है वो ना हो। पुलिस को भी तमाम व्यवस्थाएं जो है उसकी बागडोर दी गई है ताकि भारी से कोई भी जो है अंदर ना आए, इसलिए तमाम जो पुलिस बल है वो वहाँ पर यहाँ पर जो है तैनात भी किए गए हैं। आप देख भी सकते हैं जिस प्रकार से पुलिस के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े भी हैं, चाहे महिला पुलिस की बात की जाए तो महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अधिकतर जो है छात्राएं भी है वो भी यहाँ पर आती है, तो इसलिए महिला पुलिस को भी यहाँ पर लगाया गया है। जी दीपक, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि छात्रों को एक समस्या ये भी आती है कि उनके घर के आसपास उन्हें एग्जाम सेंटर अलॉट किए गए हैं या नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड पर छात्रों का यहाँ पर सेंटर बता दिया जाता है, तो यहाँ पर छात्रों के रहने सहने की भी किस तरीके से व्यवस्था की गई है कि छात्रों को कोई दिक्कत ना आए एग्जाम सेंटरों तक पहुंचने के लिए? देखिए, आपको बता दूं कि रहने की व्यवस्था हालांकि प्रशासन की तरफ से नहीं है, क्योंकि रहने की व्यवस्था के लिए जो है सामाजिक संगठनों से बात की गई थी, सामाजिक संगठनों ने ही छात्रों के लिए रहने की व्यवस्थाएं की थी। हालांकि भिवानी में अगर पहुंचने की बात की जाए लड़कियों के लिए, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि उसी जिले के अंदर, जिस जिले में वो रहती हैं उसी जिले के अंदर जो है परीक्षा करवाई जा रही है, हालांकि जो पुरुष परीक्षार्थी हैं उनको जो है दूसरी जगह पर दूसरे जिले के अंदर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो हरियाणा रोडवेज की तरफ से बस सेवा जो है वो तो लगा दी जाती है, लेकिन छात्रों की काफी ज्यादा संख्या होने के चलते उन्हें वो सेवा का फायदा नहीं पहुंच पाता, लेकिन इस बार अतिरिक्त बस सेवा का जो व्यवस्था है वो की गई थी, तो इस बार कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई छात्रों को एग्जाम सेंटर तक पहुँचने में? रोडवेज के जो महाप्रबंधक है उनसे कुछ बात की थी, उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई
भी समस्या अभी तक सामने नहीं आई है। करीब 276 बसें और साथ ही साथ 195 निजी बसें भी चलाई गई हैं और जो चालक और परिचालक छुट्टी पर थे उनकी छुट्टी भी रद्द कर दी गई और अतिरिक्त चालक और परिचालक भी बुलाए गए हैं जिनकी रहने और खाने की व्यवस्था कल पुलिस लाइन में की गई थी ताकि चालक और परिचालक समय पर आ सके और किसी भी परीक्षार्थी को किसी तरह की समस्या न हो और वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुँच सके। जी जी कपिल, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर सीटी को लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम तो की गए हैं, पुलिस बल की तैनाती अच्छे से की गई है, साथ ही बाहर तो काफी दिशा निर्देश निकलकर सामने आए, लेकिन एग्जाम सेंटरों के अंदर किस तरीके की व्यवस्था की गई? क्योंकि छात्रों को सबसे ज्यादा डर इस बात का सताता है कि नकल ना चले, साथ ही पेपर ना लीक हो, तो अंदर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं छात्रों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया कि परीक्षा को लेकर जो एसएससी के सदस्य विकास दहिया ने कल भी दौरा किया था और आज भी लगातार परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे और खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कल ही जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी निगरानी में परीक्षा हो रही है, उनकी खुद जांच की थी, निजी तौर पर उन्होंने जांच की थी और आपको बता दें जो सुबह परीक्षार्थी आ रहे थे और उनकी जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से जांच की जा रही थी। आपको बता दें हम इस समय एक परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हैं जहां पर पूर्ण सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही जो परीक्षार्थी आ रहे थे उनकी अच्छे से चेकिंग की जा रही थी और उनको निर्देश दिए गए थे कि सिर्फ परीक्षार्थी जो सिर्फ अपना पैन और पहचान पत्र लेकर ही परीक्षा में जा सकते हैं और 3 सुरक्षा के घेरे बनाए गए थे ताकि उनकी अच्छे से चेकिंग की जा सके और किसी प्रकार की परीक्षार्थी को कोई परेशानी ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका और दीपक मोटरेचा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एग्जाम सेंटर्स के बाहर पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है ताकि कोई भी दिक्कत जो है छात्रों को भी ना आने पाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।